अगर आप भी अपने आईफोन के साथ ऐसी गलती करते हैं तो बम की तरह फट सकता है आपका आईफोन। हम में से कई लोग आदतन अपना फोन रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे सुबह सुबह फोन फुल चार्ज मिले। अगर आपको भी ऐसी आदत है तो ये खबर आपके लिए है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। बताएं कि आईफोन निर्माता कंपनी ने इस गलती को जानलेवा करार दिया है। दरअसल लोगों को अपना फोन चार्ज करने के लिए रात का समय सबसे सही लगता है। यह ऐसा समय होता है जब हम फोन को यूज नहीं करते हैं और सुबह उठते ही काम पर निकल पड़ते हैं। रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर उसके बगल में या सिर के पास रखकर सोना खतरे से खाली नहीं है। एप्पल ने आईफोन यूजर्स को सावधान किया है कि आपको अपना फोन चार्ज में लगाकर कभी भी उसके पास सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है, चोट लग सकती है या आईफोन या अन्य संपत्ति को नुकसान हो सकता है। एप्पल ने कंबल या तकिए के नीचे फोन चार्ज करने से भी यूजर्स को आगाह किया है, इससे डिवाइस के गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसमें फोन को चार्जिंग पर लगाकर फोन के बगल में सोने से मना किया गया है। एप्पल ने इससे जुड़े संभावित खतरों के प्रति सचेत करते हुए उनसे बचने के लिए यूजर्स को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके फोन अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पर केबल से कनेक्ट होने पर चार्ज हो रहा हो। एप्पल ने यूजर्स को कंबल या तकिए के नीचे रखकर फोन चार्ज करने को लेकर भी आगाह किया, इससे डिवाइस के गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। एप्पल ने साफ कहा है कि डिवाइस पावर अडैप्टर या वायरलेस चार्जर पर ना सोएं और पावर सोर्स से कनेक्ट होने पर उन्हें कंबल, तकिया या अपने शरीर के नीचे रखने से बचें। आईफोन पावर अडैप्टर और वायरलेस चार्जर को अच्छी तरह और हवादार जगह में उपयोग या चार्ज करना चाहिए। एप्पल ने थर्ड पार्टी या नकली चार्जर का उपयोग करने के संभावित खतरों के बारे में भी बताया है। एप्पल अपने यूजर्स को तरल पदार्थ या पानी के पास फोन चार्ज करने से बचने के बारे में बताता है और खराब चार्जर का इस्तेमाल तुरंत बंद करने की सलाह देता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।